आइए बहुत छोटा अपनी ओर से गीत पढ़ रही हूँ। चलो बढ़िया। Oh!
जी, ये गीत बहुत पुराना लिखा गया है। हमारे जो बड़े भैया बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी ने ये गीत लिखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मैं इसको गाऊंगी। और वास्तव में जब सुनने वाले लोग बैठे होते हैं तो गाने का मजा ही होता है। हुआ क्या सचदेवा जी, सुनिएगा। सुने सोचते
होती है। आइए एक बन सुनेगा सुने तालियों के लिए। वास्तव में अगर हकीकत बताई जाए तो दो चार दिन से मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है, लेकिन ये तो आप लोगों का स्नेह है जो कुछ टूटा फूटा बन रहा है आपकी सेवा में समर्पित। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो गीत आदरणी मारे परम सत्य देवेंद्र तिवारी जी के पिता श्री का है और पिताजी ने लिखा है तो बेहतरीन लिखा है बिल्कुल, तो उसे तो कोई देवेंद्र भैया काट ही नहीं सकता है। सही बात है, जिसको पिताजी ने लिख दिया हो तो बेटे की क्या औकात जो उस गीत को काट दे। सही बात है, बस कुछ लाइनें जोड़ रहा हूँ, हालांकि पिताजी की लाइनों से थोड़ी कमजोर होगी क्योंकि बच्चा कभी पिताजी को जवाब नहीं दे सकता है, पर खाना पूर्ति हो रही सुनेगा। वो सोने की कहीं पत्थर की कुश की कई सीता बनवाई, बालू की सीता जब कमरे में रख दी तो वही पत्थर की सीता कह रही प्रभु राम से कि है राम जरा गीत को समझिएगा समझिएगा। Yeah.
होती है। बस कहना ये है कोई पद्य का राइटर होता तो कोई गद्य का राइटर होता, बाकी कहते हैं कई है। सही बात। बहन जी मैंने इस गीत को जवाब को छोटे में दिया है, हालांकि मेरे रचनाकार चाहे तो दो दिन तक लिखते रहे, पत्थर की काया पत्थर का मन पत्थर का बन गमन लिखते चले जाएंगे, पर दो लाइन कलाकार के लिए जवाब तौर पर होती है। समझने वाला कलाकार है तो पत्थर का दिल भी होता है, ये पत्थर दिल बड़ा। एक बार राम जी भी पत्थर के बन गए थे, पूछना बहन हम बताएंगे। ज्ञानी बहुत है। बस बस कहना ये है कि बाले थोड़े छोटे पहना करो, उसे सुनाई नहीं पड़ता ना आपको। आइए एक बेहतरीन सा नया गाना। हाँ, दादाजी का कहना है बाबा। आपने एक बात कही बहन जी, चूंकि मेरे दादाजी का कहना था कि भैया नए गाने गाओ, तो आपने उसमें टिप्पणी कर दी कि नए गानों में कीर्तन खराब हो जाता है और नए गानों में कीर्तन खराब हो जाता है, ऐसे गाने गाने चाहिए जिससे कीर्तन जिंदा हो। हालांकि मैंने दादा हरि किशन जी को सुना है, जब मैं गाता नहीं था तब मैंने सुना है, एक गीत वो गाते थे जो कि नया था, नए गीत गाते थे, बिल्कुल हर नए गीत को वो प्रस्तुत करने थे करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कीर्तन की मर्यादा नहीं रखी, ये हर जगह की सभा होती है, जहाँ जैसा माहौल होता वैसा गाना पड़ता है। मैंने कोशिश की, रात भर पब्लिक रुकी, पर जैसे मैं बैठा सब भाग गए, तो ये थोड़ा संकोच हुआ हमको। बाकी आइए सुनेगा। बिल्कुल बेटा सुनाइएगा।
मैया भी जवान हो गई। भैया जी, अरे देख सबके कलेजे है ऐसे ही ले। क्या बात है, जैसे ही लगाया गले से सब कहेंगे अरे राजा, अरे एक भिखारी को गले से लगा रहे, तो देख करके कलेजे सभी के ही ले। जब गले मित्र के मित्र वर है मिले, याद बचपन की आई मजा गया। यही में अरे अरे हुआ ऐसा मिलन, भूला मैं चौथा पन, याद बचपन की आई मजा आ गया, 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 मजा आ गया। अरे देख कर पोटली तंदुलों की प्रिय, क्या बात है, मैंने पोटली यहाँ दबा रखी थी। हाँ
साहूकार। अरे देख कर पोटली दर्द लोगी पिए, छीन कर बोले क्या भाभी जी ने दिए, खा के तंदुल के कन संपदा ये गहाई मजा आ।